नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से हो सकती है। शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा के दौरान शिक्षकों ने इसका सुझाव दिया है। दूसरी तरफ क्रूज रेव पार्टी मामले में अहम मोड़ आया है। पंच प्रभाकर के दावे के बाद बवाल मच गया है। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा है कि सत्य ही जीतेगा, तो कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि रेड करने वाले सभी एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले समीर वानखेड़े के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वानखेड़े ने मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था, इसलिए मलिक उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त प्रयास रंग लाता दिख रहा है। विजन जीरो प्रोजेक्ट की मदद से 2018 से 2020 तक सड़क हादसे में होने वाली मौतों को कम करने में सफलता मिली है। विकास की बात करें तो दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई के कांदिवली को जोड़ने वाले 22.2 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड का काम तेजी से चल रहा है। प्रियदर्शनी पार्क से गिरगांव चौपाटी तक दो समानांतर टनल बसाने की योजना है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मार्च अप्रैल में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से हो सकती है। इस वजह से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर विद्यार्थी पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुट जाए। स्कूल और कॉलेजों के दोबारा खुलने पर शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा के दौरान शिक्षकों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से आयोजित करने का सुझाव दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के साथ चर्चा में शामिल महाराष्ट्र राज्य जूनियर कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकुंद अंधालकर ने कहा कि कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से लेने का सुझाव शिक्षा मंत्री को दिया गया है। ऑफलाइन परीक्षाओं के सुझाव पर सभी एकमत थे। अब विद्यार्थी स्कूल आ रहे हैं तो उनके लिए भी यही बेहतर होगा कि वे ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए तैयार रहे। यदि कोरोना की तीसरी लहर आ भी जाती है तो स्कूल को असेसमेंट करने में आसानी होगी, इसके लिए भी आगे फार्मूला खोज लिया जाएगा। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई थी। शिक्षकों के अनुसार बैठक में शिक्षा मंत्री ने सभी के विचारों को सुना। बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से लेने का अंतिम निर्णय बाद में लेने की बात कही, जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्रूज ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी ने जिस प्रभाकर साहिल नाम के व्यक्ति को पंच बनाया था, उसने दावा किया है कि उसे एनसीबी ऑफिस में बुलाकर 10 सादे कागजों पर हस्ताक्षर लिए गए थे। प्रभाकर ने दावा किया है कि छापेमारी के समय वह मामले में एक और पंच किरण गोसावी के निजी बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा था। गोसावी ने ही उसे फोन कर एनसीबी ऑफिस आने को कहा था। साथ ही उसने एक हलफनामे में दावा किया है कि उसने गोसावी को सैम डिसूजा नाम के व्यक्ति से फोन पर बात करते सुना था कि 25 करोड़ रुपए का बम फोड़ते हैं और 18 करोड़ पर समझौता करते हैं, इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि उसने अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को गोसावी से बात करते देखा था। इस खुलासे के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि आर्यन से जुड़े मामले में गवाह से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए, बड़ी रकम मांगे जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि यह महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है, जो अब सच साबित हो रहा है। पुलिस को मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा है कि सत्य ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि रेड करने वाले सभी एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें ड्रग्स मामले में गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कुछ अज्ञात लोग उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वानखेड़े के मुताबिक शिकायतों को जांच के लिए एनसीबी के डायरेक्टर जनरल के पास भेज दिया गया है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि खास मकसद से उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर कार्रवाई न की जाए। बता दें कि समीर वानखेड़े ने इससे पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक से मिलकर खुद की जासूसी को जो आरोप लगाया था उसे पुलिस ने गलत बताया है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले समीर वानखेड़े के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि राकांपा के प्रवक्ता तथा प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर झूठे आरोप लगाए हैं। वानखेड़े ने मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था, इसलिए मलिक उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। आठवले ने कहा कि अभिनेता शाहरुख को अपने बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के लत से दूर करना चाहिए। यदि आर्यन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र में आएंगे तो उन्हें एक महीने में ठीक कर देंगे।
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, महाराष्ट्र हाईवे पुलिस, स्कोडा ऑटो, वॉक्सवैगन इंडिया और सेव इंडिया फाउंडेशन का संयुक्त प्रयास रंगलाता दिख रहा है। इनके द्वारा चलाए जा रहे विजन जीरो प्रोजेक्ट की मदद से 2018 से 2020 तक सड़क हादसे में होने वाली मौतों को कम करने में सफलता मिली है। इस योजना के तहत उन जगहों की पहचान की गई जहाँ ज़्यादा हादसे होते हैं और वहाँ जरूरी सुधार किए गए। इसके अलावा हाईवे पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर मुंबई पुणे के बीच साल 2018 में हुए हादसों में 268 लोगों ने जान गंवाई थी। साल 2019 में इससे कुछ कमी आई और यह आंकड़ा 206 तक पहुंचा। इसके साथ साल 2020 में हादसों में 79 लोगों की जान गई। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन भी था, इसलिए माना गया कि इस साल अगर सामान्य रूप से ट्रैफिक चलता तो यह आंकड़ा 123 का होता। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूषण कुमार उपाध्याय के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, साथ ही हादसों को रोकने के लिए दूसरे जरूरी कदम भी उठाए गए। इस योजना की सफलता यह साबित करती है कि जो कदम यहाँ उठाए गए वे देश भर के महामार्गों पर उठाए जाए तो होने वाले हादसों और उनमें मरने वालों की संख्या काफी हद तक कम की जा सकती है। दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई के कांदिवली को जोड़ने वाले 22.2 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड का काम तेजी से चल रहा है। प्रियदर्शनी पार्क से गिरगांव चौपाटी तक दो समानांतर टनल बनेगी। इनमें से पहली टनल प्रियदर्शनी पार्क से गिरगांव चौपाटी तक बन रही है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी टनल के लिए मलबार हिल पहाड़ी के नीचे 1.5 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है, जबकि समुद्र के नीचे बनने वाली देश की पहली टनल का काम जनवरी 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह टनल 6 लेन की बनाई जा रही है, जिसका निर्माण एक विशेष तरीके से किया जा रहा है। टनल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के समय एक आपातकालीन संदेश बीएमसी के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और यातायात पुलिस को चला जाएगा, जिससे तत्काल सहायता मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक 10.58 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड का काम बीएमसी कर रही है। दूसरे चरण के तहत उसके आगे का काम एमएमआरडीए करेगी। दोनों टनल बनाने में 18 महीने का समय लगने की बात कही गई थी, लेकिन पहली टनल बनाने में लगभग 12 महीने का समय लग सकता है। जगुआर से घूमकर अलीशान कोठी बंगलों में चोरी करने वाले गैंग का सरगना पुलिस के हाथ लगा है। उसने चोरी के हैरत अंगेज मामले उजागर किए हैं। इस बीच संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सड़क परियोजना की डीपीआर बनाने में सांसद, विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित आम जनता से सुझाव लेना चाहिए। उधर पंजाब के संगरूर जिले में तनाव की खबर है। T20 वर्ल्ड कप में रविवार की हार के बाद कुछ युवकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कश्मीरी छात्रों पर हमला कर दिया, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर पथराव कर तोड़फोड़ की। इसके निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश झा पर हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाते हुए स्याही फेंकी। अब सम्मान की बात, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की थाना कविनगर पुलिस में जगुआर से घूमकर आलिशान कोठी बंगलों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना इरफान उर्फ उजाले को गिरफ्तार किया है। इस पर विभिन्न राज्यों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए करोड़ों रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए हैं। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले इस शातिर चोर की तलाश 12 राज्यों की पुलिस कर रही थी। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 2.5 करोड़ रुपए कीमत का चोरी का माल बरामद किया है। इरफान की पत्नी और एक प्रेमिका समेत 11 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 11 साल पहले उसकी बहन की शादी थी, लेकिन दहेज के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाने पर उसने बिहार में ही एक चोरी की थी। इसके बाद भी वह चोरी करता रहा। आरोपी ने नोटबंदी से ठीक पहले दिल्ली में रहने वाले एक जज के घर में चोरी की थी। आरोपी ने बताया कि इसके अलावा उसने गोवा में गवर्नर हाउस के पास रहने वाले एक कारोबारी के घर से भी लाखों रुपए की नकदी व जेवर चोरी किए थे। इरफान ने गाजियाबाद में 3 सितंबर को कविनगर के डी ब्लॉक में रहने वाले कारोबारी कपिल गर्ग के घर में 1.5 करोड़ की चोरी की थी। इस मामले में उसी समय पुलिस ने इरफान की पत्नी गुलशन परवीन और एक प्रेमिका समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि सरकार को सड़क परियोजना की डीपीआर बनाने में सांसद, विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित आम जनता से सुझाव लेना चाहिए। डीपीआर की समग्र समीक्षा करनी चाहिए। डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में स्थानीय जनता की मांगों और चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि डीपीआर के कारण राजमार्ग परियोजना पूरी होने के एक समय तक कंपनी की गलती से गुणवत्ता खराब होने या हादसे बढ़ने पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार कानून बनाकर दोषियों को दंडित करे। समिति ने यह भी सिफारिश की कि डीपीआर बनाते समय दीर्घ अवधि के लिए यातायात अनुमान का ध्यान रखा जाए। इसके लिए अधिक भूमि अधिग्रहण की जरूरत है ताकि भविष्य में राजमार्ग को चौड़ा किया जा सके। दरअसल यह सामने आया है कि राजमार्ग क्षेत्र के अधिकारियों की मिलीभगत से सलाहकार कंपनियां जानबूझकर सड़क सुरक्षा के उपाय डीपीआर, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनियां जनता से वसूले जाने वाले टोल टैक्स के पैसे से सड़क सुरक्षा के कार्यों को पूरा करती है। उन्हें खुद पैसा नहीं लगाना पड़ता है, वही काम धीमा कर अधिक दिनों तक खींचा जाता है, जिससे अधिक समय तक टोल टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता है। क्रिकेट के खेल में पाकिस्तान से जब जब भारत को हार का सामना करना पड़ा है, मामला संवेदनशील बना है। T20 वर्ल्ड कप में रविवार की हार के बाद कुछ युवकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कश्मीरी छात्रों पर हमला कर दिया। घटना पंजाब के संगरूर जिले की है, जहां भाई गुरुदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में कश्मीरी छात्रों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ युवकों ने उन पर हमला किया है। 5 से 6 युवकों ने खूब तोड़फोड़ की और सामान बिखेर दिया। एक स्टूडेंट को मामूली चोटें भी आई है। घटनाक्रम रविवार देर रात करीब 12 बजे का बताया जा रहा है, जिसके वीडियो सामने आए हैं। पंजाब के DGP से मामले की जांच की मांग की जा रही है। पीड़ित छात्रों ने हमले की वीडियो बनाई थी, जिसे ट्वीट किया गया है। इसके बाद जो लोग उनके पक्ष में हैं, वे DGP इकबालप्रीत सिंह सहोता से जाँच की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह घिनौनी और घटिया कार्रवाई है। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द हमला करने वाले युवकों को सामने लाना चाहिए। थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक उनके पास या पुलिस कंट्रोल रूम पर हमले की कोई शिकायत नहीं दी गई है। मामला हमारे ध्यान में नहीं है, जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट में पथराव कर तोड़फोड़ की और इसके निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश झा पर हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाते हुए स्याही फेंक दी। पथराव में इस वेब सीरीज टीम की 2 बसों की शीशे भी टूट गए। बजरंग दल ने आगे इस वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देने की धमकी भी दी है। घटना के बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा और बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल के खिलाफ नारेबाजी भी की और उन पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। बॉबी देओल वेब सीरीज आश्रम में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बजरंग दल का कहना है कि इस वेब सीरीज का नाम हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। झा जिस प्रकार इसमें अश्लील दृश्यों का फिल्मांकन कर रहे हैं, इस तरह की आश्रम में व्यवस्थाएं नहीं होती है। उन्होंने गुरुओं द्वारा महिलाओं के शोषण को दिखाकर पहले के सीजनों में हिंदू आश्रम में व्यवस्थाओं को गलत तरीके से चित्रित किया था। इस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने प्रकाश झा के चेहरे को कालिक पोत दी है और बॉबी देओल की भी तलाश की, मगर वह नहीं मिले। झा की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सोमवार को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस नेशनल अवार्ड की घोषणा इस साल 22 मार्च को की गई थी। हिंदी सिनेमा कैटेगरी में इस बार साल 2019 में रिलीज हुई दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। फिल्म में मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर बात की गई है। साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के सुपरहिट सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड गायक बीप रॉक को मिला। मनोज वाजपेयी और साउथ के सुपरस्टार धनुष को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड हासिल हुआ, जबकि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रजनीकांत ने कहा है कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि उस दिन उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, पर दुख है कि उनके गुरु के बालाचंदर सर उन्हें पुरस्कार लेते हुए देखने के लिए नहीं है। यह सम्मान लोगों के प्यार और समर्थन का प्रतीक है। आज ही उनकी बेटी सौंदर्या की आवाज़ आधारित ऐप लॉन्च किया गया। रजनीकांत का कहना है कि सौंदर्या ने अपने स्वतंत्र प्रयासों से लोगों के लिए हुते नामक एक बहुत ही उपयोगी ऐप बनाने का बीड़ा उठाया था। यह देश का पहला आवाज आधारित सोशल मीडिया ऐप है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली जीत के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद के तीखे बोल सामने आए हैं। उन्होंने इसे आलम इस्लाम की जीत करार दिया है और कहा कि सारी आलम इस्लाम को फतह मुबारक हो।
इस बीच बुशरा बीबी की बेटी की निकाह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शामिल होने से बवाल मच गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इमरान खान ने सरकारी पैसे पर यह शादी आयोजित की है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने एक बार फिर से दुनिया को चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया को इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो भारत के लिए परेशानी का कारण चीन का नया विधान भी है। चीन ने नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। इस कानून के कारण भारत को भविष्य में परेशानी हो सकती है। इस बीच अमेरिका में फ्लोरिडा के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी को एक बैठक से उस समय जाने के लिए कह दिया गया जब उन्होंने एक सेनेटर के कार्यालय में मास्क लगाने से इनकार कर दिया। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली जीत के बाद पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। यह पहला मौका है जब विश्व कप के किसी मैच में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जीत मिली है। इस जीत से खुश पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर धर्म को लेकर बयानबाजी की है। उन्होंने पाकिस्तानी टीम की जीत को आलमी इस्लाम की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलमी इस्लाम को फतह मुबारक हो। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम को भारत पर जीत के लिए बधाई दी है। इमरान खान ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी टीम और ख़ासतौर पर बाबर आजम जिन्होंने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की उन्हें बधाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने भी टीम के शानदार खेल के लिए खुशी जाहिर की। बता दें कि पाकिस्तान ने सुपर 12 के अपने पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हराया। यह वर्ल्ड कप में पहला मौका था जब पाकिस्तान ने भारत को मात दी। इससे पहले हुए 12 मैचों में भारतीय टीम ही जीती थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सौतेली बेटी का सऊदी अरब के मदीना में निकाह हुआ है। माशा मनिका इमरान खान की चौथी पत्नी बुशरा बीबी की बेटी है। इस समारोह में इमरान खान के भी शामिल होने की खबर है। वह उमरा के नाम पर इस समय सऊदी अरब के दौरे पर है। पाकिस्तान में विपक्षी नेता इस शादी को लेकर इमरान खान पर निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि इमरान खान ने सरकारी पैसे पर यह शादी आयोजित की है। बुशरा बीबी की बेटी की बेटी की शादी अल फतह ग्रुप के मालिक पाकिस्तानी बिजनेसमैन मोहम्मद अनिस इकबाल शेख के बेटे से हुई है। इस शादी में करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। शादी के बाद इस नए जोड़े ने उमरा भी किया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि शादी का रिसेप्शन नवंबर के दूसरे हफ्ते में लाहौर में होगा। इसमें पाकिस्तान के राजनेताओं, बिजनेसमैन सहित देश दुनिया की कई प्रसिद्ध हस्तियों को निमंत्रित किया जाएगा। इस बहाने इमरान खान विपक्षी दलों को साधने की भी कोशिश कर सकते हैं। विपक्षी नेता इस समय पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर मोर्चा खोले हुए है। बता दें कि बुशरा बीबी की पहली शादी से 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उन्होंने 2017 में ख्वार मनेका को तलाक दे दिया था। उसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने से पहले 2018 में बुशरा बीबी के साथ निकाह किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रियस ने एक बार फिर से दुनिया को चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और दुनिया को इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। WHO प्रमुख ने बताया कि यह महामारी तभी खत्म होगी जब दुनिया इसे समाप्त करना चाहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने G20 देशों से भी आग्रह किया कि वे अपनी 40% आबादी को कोवैक्स तंत्र और अफ्रीकी वैक्सीन अधिग्रहण ट्रस्ट में सक्रिय रूप से शामिल करें। प्रमुख ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की अपील की। बता दें कि इससे पहले भी WHO कई बार दुनिया को कोरोना वायरस को लेकर चेताता रहा है। विश्व निकाय के प्रमुख ने याद दिलाया कि हमारे पास वे सभी उपकरण हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण और प्रभावी चिकित्सा उपकरण, लेकिन दुनिया ने उन उपकरणों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया है। एक सप्ताह में करीब 50,000 मौतें हुई है। इस तरह से महामारी खत्म नहीं हुई है। इधर भारत में एक बार फिर से कोरोना से मरने वालों की संख्या ने डराना शुरू कर दिया है। आज बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 443 लोगों की मौतें हो गई है। वही एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 14,306 है। भारत के साथ सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। देश के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र और अक्षुण बताते हुए चीन की संसद ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग को लेकर यह नया कानून पारित किया है।
जानकारों के अनुसार इसका असर भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवाद पर पड़ सकता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन बैठक के दौरान इस कानून को मंजूरी दी। यह कानून अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभाव में आएगा। इसके मुताबिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पावन और अक्षुण है। कानून में यह भी कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बेबुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए देश कदम उठा सकता है। वह सीमाओं पर रक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर सकता है। देश समानता, परस्पर विश्वास और मित्रतापूर्ण वार्तालाप के सिद्धांतों का पालन करते हुए पड़ोसी देशों के साथ जमीनी सीमा संबंधी मुद्दों से निपटेगा और काफी समय से लंबित सीमा संबंधी मुद्दों और विवादों को उचित समाधान के लिए वार्ता का सहारा लेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील की जा रही है। साथ ही समय पर टीका लगवाने की अपील की जा रही है। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए देखा जाता है। मास्क पहनने को लेकर अमेरिका में अजीब स्थिति पैदा हो गई है। फ्लोरिडा के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी को एक बैठक से उस समय जाने के लिए कह दिया गया जब उन्होंने एक सीनेटर के कार्यालय में मास्क लगाने से इनकार कर दिया। सीनेटर ने उनसे कहा था कि उन्हें गंभीर बीमारी है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। फ्लोरिडा के सीनेट के नेता विल्टन सिम्पसन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर टीना पोल्स्की के कार्यालय में हुई घटना के संबंध में सीनेटरों को एक ज्ञापन भेजा और कार्यालय में आने वाले लोगों से सामाजिक बातचीत के दौरान सम्मानपूर्वक व्यवहार करने को कहा। गौरतलब है कि पोल्स्की स्तन कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने इस बीमारी से पीड़ित होने की बात अभी तक सार्वजनिक नहीं की थी। पोल्स्की ने कहा, यह मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाला था कि उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया। अगर वह अगले कुछ वर्षों के लिए सर्जन जनरल है तो मैं भविष्य की जनस्वास्थ्य आपात स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।